हे गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू कुकिंग। होली आने वाली है दोस्तों, और होली पर हम मूंग दाल का हलवा बनाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो आज की रेसिपी में हम मूंग दाल का हलवा बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है। इस रेसिपी से हमारा मूंग दाल का हलवा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लाजवाब बनने वाला है, जो कि आप देख ही सकते हो कि हमारा मूंग दाल का हलवा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हमारे इस मूंग दाल हलवा की रेसिपी बहुत ही अलग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम इसे राजस्थानी स्टाइल यानी कि देसी स्टाइल में बनाने वाले हैं। इस रेसिपी से मूंग दाल का हलवा बनाने से दोस्तों वाकई में चार चांद लग जाते हैं। गैस पर भी मूंग दाल का हलवा बढ़िया बन जाता है, पर राजस्थानी स्टाइल की तो बात ही कुछ और है। तो चलो यार, बाकी की बातें तो बाद में करेंगे, अभी मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। पर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल लेनी है। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मूंग दाल ली है। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। 4 घंटे के बाद हमारी मूंग दाल अच्छे से पानी में भीग चुकी है। अभी हम इसका पानी अलग और हमारी मूंग दाल अलग कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा पानी अलग निकल जाएगा और हमारी मूंग दाल को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हमें मूंग दाल को अलग बर्तन में निकालने के बाद मूंग दाल को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए हमें इसको हाथों से अच्छे से रगड़कर मसलना है, जिससे हमारे मूंग दाल के छिलके अलग निकल जाएंगे और हमारी मूंग दाल अलग निकल जाएगी। ये देखो, इस तरह से हमें हाथों से अच्छे से मसलते हुए मूंग दाल को साफ़ करना है। इस तरह हम मूंग दाल को हाथों से अच्छे से मसलेंगे और इसको साफ़ करेंगे। हमें मूंग दाल को अच्छे से मसलने के बाद इसको पानी में डिप करना है और इसको टेढ़ा करके ऊपर लाना है, जिससे हमारे मूंग दाल के सारे छिलके वो एक कोनर में आ जाएंगे और आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ये देखो, इसको इस तरह से पानी में डिप करेंगे और इसको टेढ़ा करके बाहर निकाल लेंगे, जिससे सारे छिलके एक कोनर में आ जाएंगे और इनको बाहर निकालने में आसानी रहेगी। इसी तरह से हमें सारी दाल को अच्छे से धो लेना है। ये देखो, इतनी सारी मेहनत के बाद हमारी दाल अच्छे से पिस चुकी है और ये हमारी दाल कितनी चमक रही है। मैंने दाल को अलग निकाल लिया है और जो हमारे दाल के छिलके थे उनको अलग निकाल लिया है, जो कि वेस्टेज है। अभी हमें दाल को अच्छे से पीसना है। जैसा आपको हलवा खाना हो, बारीक या फिर थोड़ा दानेदार, उस तरीके की आप दाल पीस सकते हो। मैंने यहाँ पर दाल को मीडियम पीसा है। ये देखो, मैंने दाल को पीस लिया है, मैंने मीडियम पीसा है। ये न तो ज़्यादा दानेदार है, न ही ज़्यादा बारीक है, ये एकदम मीडियम है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अभी हमें आगे जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो है 1 किलो घी, 100 ग्राम आटा, हमारी दाल पिसी हुई, 1 किलो मावा, 1 किलो चीनी और थोड़े से बादाम कटे हुए। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पूरा 1 किलो घी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे और 1 मिनट तक सेकेंगे। 1 मिनट तक सेकने के बाद हम इसमें हमारी पिसी हुई मूंग की दाल डाल देंगे। सारी दाल को हम घी में एक साथ डाल देंगे। दाल को घी में डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों, अभी हमें दाल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें दाल को अच्छे से चलाना है, क्योंकि हम यह हलवा गैस पे नहीं बना रहे, हम इसको चूल्हे पे बना रहे हैं। यदि गैस होती तो हम इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते, पर हम इसको चूल्हे पे बना रहे ना, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इसको अच्छे से चलाना है ताकि यह जल ना जाए। ये देखो दोस्तों, अभी हमारी दाल ना घी में अच्छे से मिल चुकी है और ये कितनी बढ़िया लग रही है। दोस्तों, ये रेसिपी ना मेरी दादी की रेसिपी है और हम हर होली हर दिवाली ऐसे ही मूँग दाल का हलवा बनाते हैं। हमने बहुत बार मूंग दाल का हलवा मार्केट से या फिर घर में गैस पर भी बनाया है, पर जो इस तरीके से चूल्हे पर मूंग दाल का हलवा बनाते हैं ना, वैसा टेस्ट कहीं भी नहीं आता। ये देखो दोस्तों, हमें दाल को चारों ओर से अच्छे से इस तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। हम आना ये थोड़ा सा कठिन काम और हमारे हाथ भी दर्द करने लगेंगे, पर क्या करें दोस्तों, हमारी दाल जल जाएगी, इसलिए हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसको लगातार चलाते रहना है। एक काम करना, जब आपके हाथ दर्द करने लगे ना, तब आप अपने घर में किसी और को बुला लेना। ये देखो, अभी हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है दाल को चलाते हुए और हमारी दाल लगभग सिक भी चुकी है, पर हम इसको थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे। मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए हैं दोस्तों, पर क्या करें, मूंग दाल के हलवे का सवाल है। रुक तो बिल्कुल भी नहीं सकते, वरना हमारी दाल जल जाएगी, इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे।
तो बातों ही बातों के अंदर हमारी दाल यहाँ पे सीख चुकी है। मुझे लगभग 40 से 45 मिनट हो गए दाल को चलाते हुए, हमारी दाल की अच्छे से सिकाई हो चुकी है। अभी हमें दाल के अंदर मावा डालना है। जब हमारी दाल हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें मावा डाल देंगे। मावा डालने के बाद हमें दाल को लगातार चलाते रहना है, रुकना हमें बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या होगा दोस्तों, अभी हमारी दाल काफ़ी हल्की हो चुकी है तो इसको चलाने में पहले वाली जितनी मेहनत नहीं लगेगी, अभी इसको चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो क्या बढ़िया लग रही है हमारी दाल, खुशबू तो गजब की आ रही है और दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रही है हमारी दाल। मैंने आपको बताया था ना कि ये रेसिपी मेरी दादी की रेसिपी है, तो मैं ये मूंग दाल का हलवा अपनी दादी की निगरानी में बना रहा हूँ। वैसे दोस्तों मूंग दाल का हलवा जिस दिन होली या दिवाली होती है उसी दिन दोपहर को बनाते हैं, पर इस बार हम पूरे 2 दिन पहले मूंग दाल का हलवा बना रहे हैं, वो भी आपके लिए। तो दोस्तों मेहनत तो काफ़ी लग रही है, राजस्थानी स्टाइल में मूंग दाल का हलवा बनाना वो भी चूल्हे पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो ये देखो हमने बारी बारी से सबका नंबर लिया है, क्योंकि इतनी देर तक दाल को चलाना कोई आसान बात नहीं है, मेहनत बहुत लगती है। तो पूरे 15 से 20 मिनट के बाद हमारा मावा दाल में अच्छे से घुल चुका है और हमारे दाल की भी अच्छे से सिकाई हो चुकी है। तो अभी हम दाल को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये देखो मैंने दाल को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया, कितनी बढ़िया हमारी दाल की सिकाई हुई है। ये देखो भाई क्या गजब की हमारी दाल लग रही है। तो अभी हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम उसी कढ़ाई में 1.5 कप पानी डाल देंगे और 1 किलो चीनी डाल देंगे। चीनी तो हमने डाल दी है, अभी हमें चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। तो जब ये मिक्स हो जाएगा ना तब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखो हमारी चीनी अच्छे से मिल चुकी है और हमारी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। तो जब चाशनी में हल्का सा उबाल आने लग जाएगा ना तब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी चीनी में गंदगी होती है वो सारी निकल कर ऊपर आ जाती है और उसको हम छलनी से छान कर बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम चाशनी को अच्छे से छान लेंगे। हमें चाशनी को एक तार का बनाना है, न तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है न ही ज़्यादा पतला बनाना है, हमें एक तार की चाशनी चाहिए। ये देखो हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। हमारी चाशनी तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो अभी हमें चाशनी में कलर देना है। कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से गुनगुने पानी में थोड़ी सी केसर भिगो के रखी थी, जिसका बढ़िया कलर आ गया है। तो वो अब हम चाशनी में डाल देंगे। ये देखो चाशनी में डालने के बाद क्या बढ़िया कलर आया है हमारी चाशनी का, कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी चाशनी। अभी हमें चाशनी को थोड़ा ठंडा करना है। हमारी चाशनी न तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए न ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, हमें गुनगुनी सी चाशनी चाहिए। तो जब हमारी चाशनी गुनगुनी सी हो जाएगी ना तब हम इसमें हमारी दाल डाल देंगे। ये देखो इस तरह से हम हमारी चाशनी में सारी दाल डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। हमें इनको तब तक अच्छे से मिलाते रहना है जब तक हमारी चाशनी और दाल अच्छे से मिल नहीं जाती। इसके बाद हम इसमें हमारे जो कटे हुए बादाम थे ना वो डाल देंगे और फिर से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखो हमने इसमें सारी बादाम डाल दी है। बादाम डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों, तो आप इलायची का पाउडर ज़रूर डालना। ये देखो दोस्तों हमारी मूंग दाल का हलवा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको कढ़ाई में से निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे। ये देखो क्या बढ़िया कलर आया है हमारी मूंग दाल हलवा में, कितना गजब का लग रहा है हमारी मूंग दाल का हलवा। अभी हम हमारी मूंग दाल हलवा पर थोड़ी सी चांदी की वर्क भी लगा देंगे, जिससे और भी बढ़िया लगेगा हमारा मूंग दाल का हलवा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मूंग दाल का हलवा। अभी हम इस पर थोड़े से बादाम की कटिंग भी डाल देंगे। ये देखो बादाम कटिंग डालने से हमारे मूंग दाल का हलवा कितना बढ़िया लगने लग गया है, लग रहा है ना गजब का। ऐसा मूंग दाल का हलवा आपको बाजार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यही खास बात है राजस्थानी देसी स्टाइल की। तो हमारा राजस्थानी स्टाइल मूंग दाल का हलवा तो बनके तैयार हो चुका है। आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये मूंग दाल का हलवा कैसा लगा। लग रहा है कि हमारा ये मूंग दाल का हलवा घर पर बनाया हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना। आप हमारी ये राजस्थानी स्टाइल रेसिपी प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यार इस वीडियो में वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारा राजस्थानी स्टाइल मूंग दाल का हलवा कैसा लगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर लेना हमको इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।